जीवन अद्भुत है, अनमोल है, और जीवन की धन्यता उस परम सत्ता का साक्षात्कार करके होती है। कदाचित वो साक्षात्कार हो पाए या ना हो पाए, उसका संकल्प मात्र हमें उदात शिखरों पर पहुंचा देता है। सहज रूप से जो हमारा स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। जैसे ही विषय संसार की आकर्षण हमारी चित्तवृत्ति को व्याकुल करते हैं, तैसे ही हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, और वही सारी हमारी बेचैनियों का कारण। सब कुछ होने के बाद भी हम बेचैन हैं। सारी उपलब्धियां हैं, अनुकूलताएं हैं, उसके बाद भी क्या है जो खो गया? क्यों चित्त व्याकुल है? ये आकुलता कैसी है? ये बेचैनियां कैसी? जब हम अंतर में झांक कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम स्वरूप से विचलित हैं। जैसे जल की सहज स्वभाव शीतल होता है, लेकिन जब उसके नीचे आग लगा दी जाती है, लकड़ियां जला दी जाती हैं, तो वो उबलने लग जाता है। उबलना पानी का स्वभाव नहीं है, वो आग के संसर्ग में आ गया, इसलिए उबलने लग गया। ये पानी का स्वभाव शीतलता है, सहजता। जैसी किसी तरह का कुसंग हमारे चित्त में कोई विकल्प संकल्प मन के द्वारा खड़ा किया, जगत के प्रति आकर्षण, वो हमें व्याकुल कर देता है। हम अपने आप में नहीं रहते। दुख तो हमें स्वयं से च्युत करता ही है, लेकिन सुख भी हमें स्वरूप से च्युत करता है। और जैसे ही हम स्वयं से हटेंगे, क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। लोग कहते हैं, दीदी माँ मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा, तू अपनी शान से परे हो गया इसलिए परेशान हो गया, और तेरी शान है तेरे स्वरूप में रहना, तेरे अपने आप में रहना, अपने आप में, अपने आपे में होना। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं में ही होना, अपनी चैतन्य सत्ता में विराजमान हो। सहज समझ में आता नहीं, उसके लिए फिर अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए सारे साधन जो आप श्रवण कर रही हो, जो प्रातः जाग के उपासना करती हो, आराधना करती हो, उपवास करती हो, व्रत करती हो, ये सारी प्रक्रिया है हमें अपने स्वरूप में स्थापित कर। पहले के युग के लोग होते थे जो अपने कल्याण की जिम्मेदारी दूसरों को सौंपते थे, कोई ब्राह्मण को, कोई गुरु को, संत को, किसी दूसरे के हाथ हमारे कल्याण की कुंजी कैसे हो सकती है? स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि गुरु संत सत्संग इशारा भर कर सकते हैं, बस इंगित कर सकते हैं। चांद की तरफ उंगली उठा के हम इशारा करेंगे, पर आंखें उठा के तो तुम ही देखोगे, तभी तो चंद्रमा का दर्शन होगा। इसीलिए प्रेरित हो चित्त, उसके लिए हम प्रेरणा की जगह ढूंढते हैं। सत्संग में आके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सत्संग में आप थोड़ी देर के लिए संसार के द्वंद्वों प्रपंचों से मुक्त हो जाते हो, आपको अच्छा लगने लगता है। जिसकी चर्चा सुन के ही अच्छा लगता है, उसको पाकर फिर कैसा होगा, कल्पना कीजिए जरा। तो मैं निवेदन कर रही थी कि राजसी सुखों की त्याग की बात कर नहीं रही मैं। यहां ना कोई विलासता की इच्छा, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, अपनों का मोह। आप कहते हो, दीदी माँ अपनों का मोह बांधता है, सुख की आदत शरीर को पड़ गई है,
और उसको जीते जीते इतने आदि हो गए हैं कि उसको प्रदान करने वालों के मुखापेक्षी बने बैठे हैं हम। आप कहती हो कि कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे अंतर में बजेगी, लेकिन कैसे संभव है? तो मैं निवेदन कर रही थी कि कृष्ण ना बन सको कोई बात नहीं, पर कृष्ण के तो बन सकते हो। अगर राम नहीं हो पाए हम, तो राम के तो हो सकते हैं। अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को राम के चरणों में अर्पित करना, यह संकल्प तो धारण कर सकते हैं। मैंने निवेदन किया था कि मोह का पिनाक टूटेगा तब मिलन होगा भगवान के साथ, और मोह का पिनाक मनमुखियों से नहीं टूटता, उसके लिए गुरुमुख होना पड़ता है। और गुरुमुख होना आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन होना आसान नहीं है। जो गुरुमुख हो गया वो पा गया। और भगवान स्वयं अवतारी पुरुष है और उनका पूरा चरित्र सिर्फ हमें मानबिंदु स्थापित करने के लिए उनकी ये लीला है। कब तक नहीं उठे? जब तक गुरु का इशारा नहीं मिल गया। क्या बल नहीं था, सामर्थ्य नहीं थी? सारी त्रिलोकी का संचालक चुपचाप बैठा है, क्योंकि राजकुमार की भूमिका में है और गुरु की आज्ञा के अनुगत है। वे कहेंगे तो उठेंगे। पिनाक टूट गया, धनुष टूट गया, और मोह की ये भयंकर दीवारें, इस संसार के आकर्षण एक पल एक क्षण नहीं लगता।